नमस्कार, मैं रीना, आपका स्वागत है साइंस ऑफ कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं सामक की इडली। ये व्रत के लिए बहुत ही अच्छा टेस्टी व्यंजन है और ये बहुत ही झटपट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्के की इडली बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना। 2 बड़े चम्मच मैंने साबूदाना लिया है, 1 कटोरी सामक, 50 ग्राम मैंने होममेड पनीर लिया है, 50 ग्राम मूंगफली है, ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगा तो डाल सकते हैं, 2 बड़ा उबला हुआ आलू, 1 कटोरी दही, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, सेंधा नमक, बारीक कटा हरा धनिया। पहले हम सामक को ग्राइंड कर लेंगे, साबूदाना डाल देंगे, डाल दूंगी मैं क्योंकि दरदरा पीसेगा, इसी में मूंगफली डलेगी। हमारा ग्राइंड हो चुका है सावक, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। दही डाल देंगे इसमें, 1 कटोरी दही डाली है मैंने, हरी मिर्च डाल देंगे, आप स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ले सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। हम इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे के लिए। 10 मिनट के लिए हमारा बैटर जब तक तैयार होता है तब तक हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। हम अलग ही स्टाइल में आज इडली बनाएंगे। मैंने जो उबले आलू लिए हैं उन्हें मैश कर लेंगे। पनीर को ग्रेट करके डाल देंगे इसमें। पनीर हमारा ग्रेट हो चुका है, हरा धनिया डाल दिया है, हल्का सा नमक डाल देंगे इसमें भी, नमक कम ही रखेंगे, मैंने बैटर में पहले नमक डाल चुके हैं, अब इसे मैश कर देंगे। अब हम ये फिलिंग इडली के लिए रख देते हैं तैयार करके। 10 मिनट होने वाले हैं हमारे और हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। दस मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे इडली मेकर में डाल देंगे। हल्का सा इसमें ऑयल लगाएंगे, हम इडली को ओवन में बनाएंगे, आप कुकर में भी बना सकते हैं, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। मैंने ऑयल लगा दिया है इसमें, अब हम इसमें बैटर डाल देंगे। जो हमने ये फिलिंग तैयार की है वो इसमें डालेंगे। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, और
अब हम दूसरा मेकर डाल रखते हैं इसको, वो भी ऐसे ही फिलिंग करेंगे। सर्व करने के लिए मूंगफली की चटनी भी बनाएंगे। मैंने 250 ग्राम मूंगफली ली है, एक बाउल मैंने दही लिया है, करी ली और दो हरी मिर्च ली है। मिर्च आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं और सेंधा नमक। हम मूंगफली की चटनी बनाएंगे। मूंगफली डाली है मैंने, पहले हम मूंगफली को ग्राइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद दही डालेंगे। आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसे दही ऐड करेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम पैन को उतार के बंद कर देंगे। अब हम तड़का लगा देंगे। टेस्ट आता है इसका, तिल की चौका तिलका लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक। देखिए हमारी इडली बिल्कुल बनके तैयार है। इसे करीबन मैंने 4 मिनट का ही टाइमर दिया था, 4 मिनट में बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी व्रतनी इडली बिल्कुल बनके तैयार है दोस्तों। मैंने मूंगफली की चटनी और टमाटर की मेथी चटनी के साथ इसको सर्व किया है। आप किसी भी आलू की सब्जी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। Call, 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 call. 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 Call.